हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मैथ और बीएससी मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आज हम रेक्टिफिकेशन में एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा इंट्रेंसिक इक्वेशन ऑफ ए कर्व। जैसा कि ये एक छोटा सा टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर भी डिस्कस करेंगे। राइट, तो यहाँ पर इंट्रेंसिक इक्वेशन का क्या मतलब हुआ? जैसा कि एस और साई के फॉर्म में यदि कोई इक्वेशन दे रखा है उसे हम इंट्रेंसिक इक्वेशन बोलेंगे, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि एस और साई में जो रिलेशन आता है उसे हम इंट्रेंसिक इक्वेशन कहते हैं। राइट, जहाँ पे एस क्या है कि एक कर्व पर किसी फिक्स्ड पॉइंट से एक पॉइंट के बीच का आर्क लेंथ है और साई जो है कि टेंजेंट और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल है। राइट, जैसा कि मैं फिगर बना के समझाऊंगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। जैसा कि ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया और यहाँ पर हमने ये कर्व ले लिया। राइट, और इस कर्व पर ये ए एक फिक्स्ड पॉइंट हमने ले लिया और यहाँ पर ये पॉइंट है पी। राइट, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कम वाई। ओके, तो ए और पी के बीच का ये जो डिस्टेंस है, राइट, ये जो आर्क लेंथ है ये एस कहलाएगा और इस पॉइंट से जो हमने ये टेंजेंट ड्रा किया हुआ है, राइट, तो आप देख सकते हैं कि ये साई एंगल बनाएगा। राइट, तो यहाँ पे एस और साई का यही मतलब हुआ, जैसा कि आप फिगर के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। ओके, तो एस और साई में जो रिलेशन आता है दैट इज कॉल्ड इंट्रेंसिक इक्वेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है। राइट, जब मैं टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ा रहा था तो वहाँ पर भी अभी पर डिस्कस किया था, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। ओके, और एक बात और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, इसमें हमें करना क्या है। राइट, इस बात को आप समझ लीजिए। जैसा कि मान लीजिए आपको एक कार्टेशियन इक्वेशन दे रखा है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। राइट, जैसा कि आपको बताया कि x और y में जो इक्वेशन लिख रखा होता है वो कार्टेशियन इक्वेशन कहलाता है। राइट, जैसा कि अगर हम पोलर इक्वेशन ले लेते हैं, पोलर इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है? आर ओ थीटा के फॉर्म में। राइट, तो जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पे आर इक्व टू एफ ऑफ थीटा, ये पोलर इक्वेशन कहलाएगा। राइट, एक्स इक्व टू एफ ऑफ टी और वाई इक्व टू जी ऑफ टी, जैसा कि आपको पता है कि ये एक पैरामेट्रिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे एक्स भी टी का फंक्शन है और वाई भी टी का फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन। ओके, और यहाँ पर ये स्मॉल पी हो गया, स्मॉल पी इक्व टू एफ ऑफ आर। राइट, जैसा कि आपको पता है कि ये एक पैडल इक्वेशन कहलाता है। एक्चुअली यहाँ पर देखिए कौन सा इक्वेशन किस टाइप में दिखता है ये आपको विशेष आइडिया होना चाहिए। जैसा कि ये कार्टेशियन इक्वेशन y इक्व टू एफ ऑफ एक्स फॉर्म में होता है। राइट, ये पोलर इक्वेशन है, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है और ये पैडल इक्वेशन है। ओके, तो हमें करना क्या है कि इन सभी इक्वेशन को जो है कि हमें इंट्रेंसिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। राइट, इन सभी इक्वेशन को इंट्रेंसिक इक्वेशन में हमें कन्वर्ट करना है। इंट्रेंसिक इक्वेशन मीन्स कि s इक्व टू यहाँ पे मान लीजिए कि कोई फंक्शन हम यहाँ पे ले लेते हैं कुछ ऐसा एफ ऑफ साई के फॉर्म में, इसी फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट करना है। राइट, तो ये हमारा कहलाएगा इंट्रेंसिक इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे इन सभी इक्वेशन को कैसे आप इंट्रेंसिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, सभी को नहीं, मेरा मतलब कि एक एक करके। बात समझ में आ रहा है मेरा, मतलब आप समझ रहे होंगे। जैसे कि कार्टेशियन इक्वेशन है तो इसे आप इंट्रेंसिक इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पोलर इक्वेशन है तो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इस सबका डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, डिफरेंट डिफरेंट रूल है, उन्हीं के अकॉर्डिंग इन सभी को हम इंट्रेंसिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसा कि मैं यहाँ पे पहले टॉपिक पर डिस्कस करूँगा, राइट, इंट्रेंसिक इक्वेशन फ्रॉम कार्टेशियन इक्वेशन। राइट, तो इस टॉपिक को आप यहाँ पर समझ लीजिए। ओके, आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। जैसा कि ये कोई टफ नहीं है, आप चाहे तो खुद से पढ़ सकते हैं, बट मैं यहाँ पे जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा इस टॉपिक से रिलेटेड। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बोलना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिए और इसके साथ साथ आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली जो नई वीडियो की नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिलती रहेगी। लेकिन हाँ, वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करिएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर मैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करता हूँ। टॉपिक है हमारा इंट्रेंसिक इक्वेशन। मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, एक्चुअली बहुत लंबा ये वर्ड है, तो मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ आई एन से, इंट्रेंसिक इक्वेशन फ्रॉम कार्टेशियन इक्वेशन। राइट, तो जैसे मान लीजिए कि आपको एक कार्टेशियन इक्वेशन दे रखा है वाई इक्व टू एफ ऑफ एक्स। राइट, आप वन बाय वन हर प्रोसेस को समझिएगा, अभी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। राइट, जैसे मान लीजिए कि आपको ये कार्टेशियन इक्वेशन दे रखा है। राइट, तो इसमें आप क्या करिएगा, इसे डिफरेंशिएट करिएगा, मतलब कि आप dy बाई dx फाइंड करिएगा। जैसा कि आपको पता है कि dy बाई dx ये टेन साइन होता है। राइट, ये हो गया हमारा पहला, राइट, पहला इक्वेशन।
और उसके बाद एक फार्मूला आप यूज करिएगा कुछ इस तरीके से, एस इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट 0 टू एक्स रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, राइट। ये हो गया दूसरा इक्वेशन, राइट। उसके बाद लास्ट स्टेप में आप क्या करिएगा, एलिमिनेट करिएगा, एलिमिनेटिंग एक्स बिटवीन एक्स बिटवीन द इक्वेशन 1 एंड 2, राइट। जब आप ऐसा करेंगे तब जाके आपको एस और साइन के फॉर्म में इक्वेशन आपको मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन, राइट। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ये एक रूल है, एक मेथड है, इसे आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए अपनी किताबों में, अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया गया होगा तो आप यही यहाँ पे वर्क करेंगे। तो जैसा कि मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ओके, सो दैट द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द सेमी क्यूबिकल पैराबोला, जैसा कि ये एक सेमी क्यूबिकल पैराबोला का इक्वेशन दे रखा है और हमें यहाँ पे ये शो करना है कि इसका जो इंट्रिंसिक इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से होगा, ओके। तो चलिए यहाँ पर मैं इसे प्रूव कर रहा हूँ, राइट। इक्वेशन आपका दे रखा है 3ay का स्क्वायर इक्वल टू 2x³, इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 6ay dy by dx इक्वल टू 6x² कुछ ऐसा बनेगा। नो dy by dx ये यहाँ से क्या बन जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 6 से कैंसिल हो जाएगा तो इधर हो जाएगा x² बाई ay का, राइट। तो एक काम और हम करते हैं जो कि आसान होगा, यहाँ से हम y की वैल्यू यहाँ से फाइंड करके यहाँ पुट कर देते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा x² और यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 3ay इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3a रूट ऑफ, क्योंकि ये स्क्वायर जाएगा तो रूट बनेगा, राइट। और इसे हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं x पावर 1/2 ऐसा भी हम लिख सकते हैं, राइट, पूरे पर पावर 1/2, ओके। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, a ये हो जाएगा 2x³, मैं अलग अलग कर देता हूँ, राइट, पावर 1/2 और डिवाइड में क्या हो जाएगा 3a पे पावर 1/2, और एक्चुअली ये जो पार्ट है ये ऊपर चला जाएगा, राइट। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला गया तो ये हो गया थ्री ए होल टू द पावर 1/2 x² और नीचे क्या हो गया a, और यहाँ से x³ है तो एक x तो बाहर निकाल ही सकते हैं हम लोग, राइट। तो ये x बाहर निकल गया और यहाँ पर निकल गया 2x होल टू द पावर 1/2, राइट। तो यहाँ से जो कट रहा है उसे आप कट कर सकते हैं, राइट। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो कांस्टेंट है पहले मैं उसको बाहर कर देता हूँ, राइट। यहाँ पर ये पावर 1 है, ए पे पावर 1/2 होगा तो ये ऊपर, मेरा मतलब कि ये ऊपर जाएगा, राइट। तो ऊपर जाएगा तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर नीचे आएगा, राइट। इसे आप सिंपलीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा √3, राइट। और यहाँ पर x होगा तो ये भी ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव ही होगा, राइट। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा आ जाएगा, √x ही होगा, राइट, √3x ही बन जाएगा। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, √2a बन जाएगा, राइट। कुछ ऐसा यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, राइट, √3x / √2a, ओके। इसे आप सिंपलीफाई करके चेक कर सकते हैं, यही आने वाला है। मैं थोड़ा सा बहुत ही फास्ट यहाँ पे ये सिंपलीफाई कर दिया हुआ है, राइट। अब देखिए यहाँ पर हमने जो फार्मूला आपको बताया था इसी फार्मूले को यूज करना है। फार्मूला मैंने कुछ ऐसा बता रखा था, s इक्वल्स टू इंटीग्रल लिमिट 0 to x रूट ऑफ 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इंटू dx, ये फार्मूला मैंने लिख रखा था। हो सकता है मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ, दिखाई ना दे रहा हूँ, राइट, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए, सो s इक्वल्स टू इंटीग्रल लिमिट 0 to x रूट ऑफ क्या बन जाएगा यहाँ पे 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, आई थिंक इसका आप होल स्क्वायर करेंगे, सो हियर इज 3x प्लस 2a, राइट, कुछ ऐसा बनेगा क्योंकि ये स्क्वायर रूट में है तो यहाँ पर रखेंगे तो कैंसिल कर जाएगा इंटू dx नाउ। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रल लिमिट 0 to x इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, राइट, जैसा कि ये पूरा पार्ट ये अंदर रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3x रूट यहाँ पे होगा, और एक्चुअली नीचे यहाँ पर ये कांस्टेंट होगा तो मैं इस कांस्टेंट को बाहर कर देता हूँ कुछ ऐसे,
राइट, और यहाँ पर ये डी एक्स हो जाएगा। और आपको इंटीग्रेशन आता है तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, राइट। सो इंटीग्रेशन यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, सो एस इक्वल्स टू 1/√2a, राइट। यहाँ पर देखिए, इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस 3x पावर 1/2 होगा 3/2, सो 3/2, और यहाँ पर भी आएगा 3/2 इंटू एक्स का कोफिशिएंट 3 है तो यहाँ पे चला आएगा, राइट। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, राइट। सो यहाँ पे 3 × 3 = 9, राइट, ये 9 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एस इक्वल्स टू आ जाएगा ये 2/√2a, कुछ ऐसा यहाँ पर ये बनेगा, ओके। नाउ इसके बाद यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे, राइट, और लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर ये कितना बनेगा, 2a प्लस 3x होल टू द पावर 3/2 माइनस, और लोअर लिमिट पुट करेंगे, सो हियर इज 2a पावर 3/2। तो यहाँ से देखिए आप कॉमन कर लीजिए, क्योंकि देखिए जो कैलकुलेशन है ना वो आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए, राइट। यहाँ पर ये आ जाएगा 2a, यहाँ से काम करिए कि आप 2a को कॉमन कर लीजिए, राइट। तो यहाँ से भी ये कॉमन हो सकता है, ओके। तो जब यहाँ पे आप कॉमन करेंगे, राइट, 2a को, तो ये अपना पावर लेके आएगा बाहर, तो ये हो जाएगा 2a पे पावर 3/2, और यहाँ से 2a अपना पावर लेके आया है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 1 + 3x/2a होल टू द पावर 3/2 - 1, राइट, कुछ ऐसा यहाँ पे देखने को मिलेगा। नाउ अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि dy/dx को हम लोग tan साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि आपको पता है, राइट। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू, इसका मतलब इसको आप समझते हैं, ये हो जाएगा 1/2 पावर, राइट, और ये जब ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, राइट, और सॉरी 3/2, क्योंकि घातांक में आपने पढ़ा होगा 1/2, यानी कट के ये 1 हो जाएगा, सीधे सीधे यहाँ पर ये ऊपर क्या आ जाएगा, 4a/9, कुछ ऐसा ये सिंप्लीफाई होकर बन जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 + 3x/2a, राइट। एक्चुअली आप दोनों साइड में स्क्वायर करिएगा तो 10² बन जाएगा, दिस इज 10² साइन -1, सो आई थिंक ये नीचे आपको इससे आगे दिखेगा, राइट, दिखना चाहिए। चलिए मैं क्लीन ही कर देता हूँ, ओके, क्लीन कर देना ज़्यादा बेटर होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जा चुका है, राइट। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट जो लास्ट रिजल्ट है उसको मैं लिखने वाला हूँ, सो ये राइट इधर आएगा, तो दिस इज 9s = 4a, दिस इज 3 / 3/2, नौ कितना हो जाएगा, sec साइन स्क्वायर, राइट, sec स्क्वायर साइन 3/2 - 1, दिस इज लाइक दैट, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं कि स्क्वायर से ये कैंसिल कर जाएगा, सो sec³ - 1, दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, हमने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया हुआ है, राइट, प्रूफ हो चुका है, राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें अपने को प्रूफ करना था वो हमने कर दिया हुआ है, राइट, ये अपने को प्रूव करना था, और यहाँ पे आप मैच कर सकते हैं। सो आई होप कि ये जो क्वेश्चन था वो आपको समझ में आया होगा, और आपकी बुक में जो भी क्वेश्चन होगा इस टाइप से, तो आई होप कि उन्हें आप कर सकते हैं। अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आता है, या फिर इसमें कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।